Welcome to UPSSC classes and subscribe my YouTube channel. हेलो दोस्तों, UPSSC क्लासेस में दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं डिफरेंस बिटवीन चतुर्थघात साइकिल इंजन और द्विघात साइकिल इंजन में अंतर बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। इसमें से एक या दो नंबर का जरूर पूछा जाता है, हर बार हर परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो शेयर करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं अपलोड देता हूं सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, क्रम संख्या एक है कि चतुर्थ घात में चार स्ट्रोक में एक क्रिया चक्र पूरा होता है, समझ गए? चतुर्थ घात में चार स्ट्रोक में और द्विघात में दो स्ट्रोक में एक क्रिया चक्र पूरा होता है। पहला अंतर यह हो गया। सेकंड है दोस्तों कि चतुर्थ घात में जो क्रैंक केस होता है दोस्तों वो खुला होता है। किस टाइप का क्रैंक केस होता है दोस्तों? खुला टाइप का क्रैंक केस होता है चतुर्थ घात में। द्विघात में क्या होता है दोस्तों? द्विघात में बंद क्रैंक केस की आवश्यकता पड़ती है। थर्ड नंबर है कि चतुर्थ घात में मिश्रण सिलेंडर में लेने के लिए इनटेक वाल्व, इसमें वाल्व होता है दोस्तों, इसमें पोर्ट होता है। तो प्रश्न बनता है कि इनलेट पोर्ट किस में होता है या किस में पाया जाता है? ऑप्शन में दे दिया आपका चार नाम, द्विघात, चतुर्थ घात, फोर्थ घात, एट घात, इस टाइप से दे दिया। तो आपको अगर जानकारी होगा तो आप आसानी से टिक लगा सकते हैं। चार नंबर का देखिए दोस्तों, जली गैस बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट वाल्व होती है और इसमें द्विघात में क्या होता है दोस्तों? एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, ठीक है। अब पांचवा नंबर है कि चतुर्थ घात में भारी फ्लाईव्हील की आवश्यकता पड़ती है और द्विघात में क्या होता है? हल्के फ्लाईव्हील की आवश्यकता होती है। छह नंबर क्या है दोस्तों? कैम शाफ्ट व कैम गियर की आवश्यकता पड़ती है। किस में पड़ती है? चतुर्थ घात में। और द्विघात में क्या होता है? कैम शाफ्ट और कैम गियर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए दोस्तों सातवां नंबर देखिए, सातवां नंबर है दोस्तों, ये इंजन प्रति हार्स पावर भारी होते हैं। कौन से? चतुर्थ घात। द्विघात जो होते हैं वो हल्के होते हैं। आठवां नंबर है, ईंधन फ्यूल कम व्यय होता है, ईंधन का जो खर्चा होता है वो कम होता है चतुर्थ घात में। द्विघात में क्या होता है? ईंधन फ्यूल अधिक व्यय होता है। नवा नंबर है, इनका प्रयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? चतुर्थ घात साइकिल इंजन का। और इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हल्के कार्यों के लिए किया जाता है, इस पर भी प्रश्न बन सकता है। दसवां नंबर है दोस्तों, चतुर्थ घात ये इंजन एक दिशा में चलाए जाते हैं और द्विघात क्या है? ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशा में चलाए जाते हैं। 11 नंबर है, लुब्रिकेशन आयल की कम आवश्यकता पड़ती है और इसमें क्या होता है? अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण लुब्रिकेशन आयल की अधिक आवश्यकता पड़ती है द्विघात में चतुर्थ घात से ज्यादा। 12 नंबर है दोस्तों, 12 नंबर क्या है? इसकी थर्मल इफिशियंसी अधिक होती है। किसकी? चतुर्थ घात की। और द्विघात की थर्मल इफिशियंसी कम होती है, ये भी प्रश्न बन सकता है। प्रश्न नंबर 13 है, ऑप्शन नंबर 13 है दोस्तों कि ये विभिन्न आकारों में उपलब्ध होते हैं। कौन? चतुर्थ घात। और ये केवल हाई स्पीड इंजन ही उपलब्ध होते हैं द्विघात। 14 नंबर है, इनमें क्रैंक शाफ्ट के दो चक्कर में एक पावर स्ट्रोक होता है। क्रैंक शाफ्ट मतलब जब जो है क्रैंक शाफ्ट 720 डिग्री घूमेगा दोस्तों तब एक बार पावर मिलेगा और इसमें एक चक्कर में एक ही बार, इनमें एक चक्कर में एक बार पावर स्ट्रोक मिलता है, यानी सिर्फ 360 डिग्री घूमता है। 15 नंबर दोस्तों है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंत में सभी जली गैस बाहर निकल जाती हैं और इसमें द्विघात में सभी जली गैस बाहर नहीं निकल पाती हैं। 16 नंबर है दोस्तों, 16 नंबर क्या है? ये कम आवाज करते हैं और ये अधिक आवाज करते हैं।
17 नंबर है इनमें ईंधन की कुछ भी मात्रा गैसों के साथ बाहर नहीं निकलती, और इनमें कुछ मात्रा जली गैसों के साथ बाहर निकल जाती है, किसकी? ईंधन की। 18 नंबर है ईंधन पूर्ण रूपेण प्रयोग होने के कारण धुआं साफ निकलता है, और इसमें क्या है, ईंधन पूर्ण रूपेण प्रयोग ना होने के कारण काले रंग का धुआं निकलता है। 19 नंबर है इनमें अधिक स्थान की आवश्यकता होती है क्योंकि ये बड़े होते हैं, और इनमें कम स्थान की आवश्यकता होती है क्योंकि ये छोटे होते हैं। 20 नंबर है कम टूट फूट होती है चतुर्थघात में, और द्विघात में अधिक टूट फूट होती है। 21 नंबर है संपीड़न कंप्रेशन रेशियो अधिक होता है, किसका? चतुर्थघात का, और इसका संपीड़न रेशियो कम होता है द्विघात का। दोस्तों मैं इसमें एक टॉपिक और जोड़ा हूँ कि प्राथमिक भूपरिष्करण और द्वितीयक भूपरिष्करण के जो यंत्र हैं उनके बारे में बता देता हूँ। प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र कौन कौन से हैं और द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र कौन कौन से हैं, क्योंकि दोस्तों प्रश्न ये पूछा जाता है, यंत्र का नाम दे दिया और उससे पूछा गया ये प्राथमिक भूपरिष्करण है या द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र है। अभी मैंने एक वीडियो डाला था कि जिसमें ऑप्शन से कि देसी हल जो है प्राथमिक भूपरिष्करण का है या द्वितीयक भूपरिष्करण का है, उस पर एक दो कमेंट्स आए कि देसी हल जो द्वितीयक भूपरिष्करण का है, मैंने ऑप्शन में प्राथमिक दिया था। तो दोस्तों कन्फ्यूजन ना रहे, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमने दोनों टाइप के प्राथमिक और द्वितीयक भूपरिष्करण के यंत्र का वीडियो भी इस वीडियो में सम्मिलित कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, प्राथमिक भूपरिष्करण के यंत्र में दो यंत्र हैं, दो टाइप के हैं, मिट्टी ना पलटने वाले, मिट्टी पलटने वाले। मिट्टी ना पलटने वाले में दोस्तों देख लीजिए, देसी हल है, टिलर है, और इस टिलर में कौन कौन सा है, रोटावेटर पावर टिलर और ट्रैक्टर चलित फालो वाला। अब इसमें आ जाइए आप मिट्टी पलटने वाले हल में, मिट्टी पलटने वाले मोल्ड बोर्ड हल हो गए, डिस्क हल हो गए। मोल्ड बोर्ड में भी दो टाइप के होते हैं क्योंकि इसमें बैल चलित भी हैं और ट्रैक्टर चालित भी हैं। बैल चलित में दो हो गए, लंबी हरीस और छोटी हरीस, ठीक है। ट्रैक्टर चलित में आपके तीन हैं, आरूढ़, अर्ध आरूढ़ और अनुकृष्ट, ठीक है दोस्तों। डिस्क हल में भी दो हैं आपके, सामान्य डिस्क हल और हैरो हल। ये हो गए आपके प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र। अब नेक्स्ट देखते हैं हम द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र में कौन कौन से हैं। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र इसमें कौन कौन सा है। द्वितीयक भूपरिष्करण में आपका पहला हो गया कल्टीवेटर्स या टिलर, दो नंबर का हो गया हैरो, तीन नंबर आपका हो गया, चार नंबर पैडीवीडर हो गया, पांच नंबर में छोटे यंत्र जैसे फावड़ा हो गया, खुरपी हो गया, पटेला हो गया, लेबलर हो गया, ये सब हो गए आपके द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र। अब देख लीजिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने इसमें टॉपिक जोड़ा हूं दोस्तों, ये भी प्रश्न में पूछे जाते हैं कि टिल्ट एंगल और डिस्क एंगल होते क्या है। तो दोस्तों टिल्ट एंगल होते हैं वह कोण जो डिस्क धार, जो आपका हैरो होता है, तवेदार हैरो, ठीक है, तवेदार हैरो में डिस्क धार, जो तवे की धार के तल, जो तल रखा रहता है जमीन पे, और ऊर्ध्वाधर तल, आप एक ऊर्ध्वाधर उस पर लाइन खींच देंगे या कुछ भी लटका देंगे तो उसके बीच में जो कोण बनता है उसे हम टिल्ट एंगल कहते हैं। यह कितना होता है, यह 15 से 25 डिग्री तक होता है, उसे ही टिल्ट एंगल कहते हैं। आगे मैं इसको चित्र में दिखाया हूं। दूसरा हो गया दोस्तों आपका डिस्क एंगल। डिस्क एंगल क्या होता है, डिस्क एंगल है कि चाल की दिशा से डिस्क की धार, चाल की दिशा में जिस दिशा में चल रहा है हैरो, तवेदार हैरो जिस दिशा मूव कर रहा है उसके धार से, जो है डिस्क की धार से जो कोण बनाती है, ठीक है, चाल की दिशा और डिस्क की धार से जो कोण बनाती है उसे डिस्क एंगल कहते हैं। डिस्क हलों में इसे घटाया बढ़ाया जा सकता है, यह आपका 42 से 45 डिग्री तक होता है। तो दोस्तों अब आपको हम दिखा देते हैं, बनाया हूं चित्र, चित्र में देखिए आपका ये टिल्ट एंगल का चित्र है, ये हो गया आपका टिल्ट एंगल, देखिए दोस्तों ये टिल्ट एंगल हो गया,
इसमें देखिए ये कोण दिखाया है, टिल्ट हो रखा है, ये डिस्क हो गया, इससे आपका वर्टिकल जो किया है इससे आपका जो कोण बना ये टिल्ट हो गया, ये आपका डिस्क हो गया, डिस्क मूव कर रहा है, इस दिशा में मूव कर रहा है चाल की दिशा से, और डिस्क का ये जो कोण बनाया है दोस्तों ये आपका डिस्क एंगल हो गया। तो दोस्तों होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।